अपने टेस्ट डेब्यू में कमाल कर गए पांड्या, बनाए कई ताबड़तोड़ रिकॉर्ड। भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच गाले में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत की तरफ से ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। हार्दिक पांड्या ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही कई कारनामों को अंजाम दिया है। अपने टेस्ट डेब्यू में कमाल कर गए पांड्या, बनाए कई ताबड़तोड़ रिकॉर्ड। 48 गेंदों में बनाया अर्धशतक। भारत ने पहली पारी में 600 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जहां 112 ओवर तक एक भी छक्का न लगा पाने वाली भारतीय पारी में जब पांड्या खेलने आए तो छक्कों का बरसात हो गई। भारत और श्रीलंका के बीच गाले में खेले जा रहे टेस्ट मैच में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। अपने पहले ही टेस्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने 49 गेंद में 50 रन की पारी खेली। पांड्या ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए। भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने से चूके। 48 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने वाले पांड्या 83 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। हालांकि हार्दिक पांड्या डेब्यू टेस्ट में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। हालांकि भारत की ओर से डेब्यू टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज ऑफ पटियाला के नाम है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ साल 1934 में मद्रास चेन्नई में खेले गए इस टेस्ट मैच में दूसरी पारी में सिर्फ 42 गेंद में अर्धशतक लगाया था, छक्के लगाने का रिकॉर्ड। हालांकि टेस्ट डेब्यू में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पांड्या ने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पांड्या ने 3 छक्के लगाए। इससे पहले सभी अर्धशतक पूरा करने वाले बल्लेबाजों ने केवल 2 ही छक्के लगाए थे। ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बने पांड्या। पांड्या ने श्रीलंका के खिलाफ 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। हार्दिक ये कारनामा करने वाले सिर्फ 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।